हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट बहुत ही साइडवेज रहा और ऑपरेटरों ने लोगों के प्रीमियम खाने का काम किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन अगर आपका ट्रेड खड़ा है तो आपको ये देखना है कि उसमें प्रीमियम किस गति से गिरता जा रहा है, और हम होप में रहते हैं कि बढ़ जाएगा, शायद बढ़े, तब तक ये गलकर 5 पैसे हो जाता है, जो आज शायद कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि जैसे मान लो कि मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं, मॉर्निंग में बढ़त के साथ शुरू हुई और 5 मिनट में तो ये बढ़त ख़त्म हो गई। जिन्होंने उस वक्त शेयर अपने 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 ऑप्शन के ट्रेड स्क्वेयर अप कर लिए, उनको फायदा हो गया। लेकिन जो इस उम्मीद में बैठे रहे कि और बढ़ेगा, तो क्योंकि US का जो CPI डेटा था वो आने वाला था, तो मार्केट वन वे नहीं जा सकती, तो वो कट पीस तक चलते चलते बहुत, मैं आपको बताऊं कि निफ्टी जो था वो सिर्फ करीबन 5 पॉइंट तक बढ़ा, ओनली 5 पॉइंट्स। आप सोचिए, पूरा दिन ट्रेड चलता रहा लेकिन एट दी एंड 5 पॉइंट ही बढ़ा। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखिए 49,831 पे वो खुला, वहां से वो 49,887 तक गया और फिर 49,727 पे ये बंद हो गया। एट द एंड उसमें 104 पॉइंट की कमी आ गई। लेकिन ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 500 पॉइंट डाउन होता था, 600 पॉइंट डाउन होता था, 700 पॉइंट डाउन होता था, और ये तो सिर्फ 104 पॉइंट, जो बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। और निफ्टी तो पॉजिटिव बंद हुआ है, मतलब उसका ट्रेंड पॉजिटिव है। आज US CPI का जो डेटा आया वो भी अच्छा आया, 3% का प्रोजेक्शन था, फोरकास्ट भी 3% का था, मतलब लोग ये मानकर चलते थे कि 3% तक आएगा हमारा US इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन वो 2.9 पे गया, मतलब अच्छा आया। और नास्टेक, डाउ जोन्स, ये सब बढ़त के साथ चलते भी है, तो क्या होगा फ्राइडे के दिन, आप देखिए फ्राइडे के दिन क्या होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि फ्राइडे को मार्केट गैप अप खुलेगा और अच्छी रिकवरी आ जाएगी। आज भी गैप अप गैप डाउन होता रहा लेकिन रिकवरी नहीं आई। मैंने कल आपको बताया था कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन लेंगे। आप याद करिए मेरा कल वाला वीडियो कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन 10-15 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट बाकी हो तब जाके अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस के कॉल फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी लेंगे। अगर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ये, क्योंकि कल छुट्टी है, फिर फ्राइडे को मार्केट चालू होगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी आ जाएगी, तो नहीं लिए हैं तो अच्छा है। लेकिन स्ट्राइक प्राइस अगर आप सही से तय कर लेंगे तो अभी अच्छा मौका है आपको कमाने का, क्योंकि सितंबर में रेट कट अब 100% हो गया है। आप ये मान के चलिए कि US फेड के द्वारा सितंबर में रेट कट होगा। जैसे ये रेट कट की खबर आएगी,
दुनिया भर के मार्केट में तेजी आएगी और हमारे शेयर मार्केट भी पीछे नहीं रहेंगे। हम ये जानते हैं, फिर भी अच्छे शेयरों को एक्युमुलेट नहीं कर रहे हैं पैनिक में कि और गिर जाएगा। तो गिरने दो यार, क्या क्या फर्क पड़ता है आपको। आज के आज तो शेयर बेचने नहीं है, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन में तो हम मानते हैं मेंटली कि भाई शायद कुछ लॉस हो सकता है या अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। इसमें आपको लॉस बुकिंग का जो फंडा है उसको ध्यान में रखना है। वेट करते करते आपका प्रीमियम घल जाए तब तक वेट नहीं करनी है, जो आज सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया। फिर आप ऐसे बोलेंगे कि भाई सब लोग, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि बाजार बाउंस बैक आ जाएगा। आया बाउंस बैक, देखिए कितना गिरता था वो दो दिन पहले और आज कितना गिरा, वो भी कहाँ तक जाके गिरा। तो ये बाउंस बैक ही है। बाकी एक इम्पोर्टेंट डेटा अगर सामने ना आया हो तो मार्केट ऐसा ही करती है, वो साइडवेज रहती है। अब तो वो डेटा आ गया, अच्छा आया 2.9% 0.1 की कमी आई है, लेकिन अच्छी है क्योंकि जो US फेड का जो टारगेट है उससे बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया ये। तो सितंबर में रेट कट होने वाला है, बी श्योर। तो अभी आपको ये सोच के दिवाली तक की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, दिवाली तक की स्ट्रेटेजी, जिसको अभी हार्डली करीबन 70 डेज है। तो 70 डेज में आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई कौन से शेयर लिए जाए। ऑप्शन में तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई भी नई एक्सपायरी शुरू हो तो फर्स्ट 10 डेज आपको देखना ही नहीं है उसके रेट। तो वो ऑप्शन की बात तो अभी अगस्त की चल रही है, सितंबर की 10-12 सितंबर के बाद शुरू होगी और अक्टूबर की 10-12 तारीख के बाद हम देखेंगे कि क्या प्रीमियम चल रहे हैं। और नवंबर में क्या होगा, 1 नवंबर को दिवाली है, काफ़ी कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स का सेल होगा, कपड़े बिकेंगे, लाइफस्टाइल इक्विपमेंट, कॉस्मेटिक्स और मिठाई। बीका जी है, याद करिए आप कौन कौन से शेयर, उनका एक लिस्ट बना लीजिए। ज्वेलरी है, सिल्वर क्राफ्टिंग करने वाली जो ज्वेलरी है, गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी फेस्टिव सीजन में। तो एक लिस्ट बना के दी, मैं भी एक लिस्ट आपको डिटेल दूंगा। वैसे तो हर वीडियो में मैं एक दो तीन पाँच शेयर बोलता हूँ, लेकिन अब क्योंकि कल हमारा गणतंत्र दिवस है तो कल शायद कुछ वक्त मिलेगा तो मैं आराम से एक लिस्ट बनाऊंगा, उसको आप खरीद के रख दीजिए। अभी तक जो मैं बोला हूँ वो आप लेंगे तो भी वही, वो भी ठीक है। ONGC मैंने बोला है, टाटा का टिस्को का शेयर देखो 144 तक आ गया, लीजिए 144 से। अगर 140 हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जब चलेगा तब आप इसको नहीं ले पाएंगे। जो भी शेयर गिरे हुए हैं उसको ले लीजिए आप। आपको खुद को ऐसा इनर ऐसा होगा कि नहीं ये लेना चाहिए, अच्छे शेयर जो है उसको आप लेते रहिए ये मंदी के टाइम में। अगर मंदी कुछ दिन 2-3 दिन और चलती है तो की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मंदी चलेगी। फ्राइडे को ही बाउंस बैक आ जाएगा, छोटा बाउंस बैक आ जाया लेकिन बड़ा बाउंस बैक फ्राइडे को आएगा। और जब सितंबर में रेट कट होगा तो आप मान लीजिए कि हमारे इंडाइसिस प्रीवियस हाई को क्रॉस करते होंगे अक्टूबर नवंबर में। दिवाली तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे इंडाइसिस पिछले हाई को क्रॉस कर देंगे।
काफ़ी मुनाफा हो जाएगा आपको। अब देखिए सुझ लोन भी कहाँ तक गया, मैं बार बार बोल रहा था। आप ये भय मत रखो कि सुझ लोन मैं अभी 79 में लूँगा और कल इसका अगर 74 हो गया तो क्यों, कोई बात नहीं, आप लेके भूल जाइए उसको कि भाई मैंने ये लिए हैं, इस भाव से लिए, फॉरगेट। अचानक आप देखेंगे कि वो 100 क्रॉस कर जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखें। और देखिए हिंडनबर्ग वाला जो मामला है, उसने मॉरिशियस ने भी हिंडनबर्ग को झूठा बोल दिया है, हिंडनबर्ग की जो बात है उसको वो नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो गलत है, उसकी कोई बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई दम नहीं है। तो हमें ये आपको ध्यान में रखना है कि हिंडनबर्ग की कोई बात नहीं चल रही है अभी, खुद मॉरिशियस ने जिसके ऑफशोर फंड की बातें हो रही थी, खुद मॉरिशियस ने इसको गलत करार दे दिया है, तो अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, ये इश्यू अपने आप सेटल हो जाएगा। ईरान इराक के वॉर की जो बात है उसमें अब तक कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, ऐसी बात आई है कि दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर स्टेशंस या न्यूक्लियर के जो ठिकाने हैं वहाँ शायद मिसाइल दाग सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो बड़ा संकट हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो। कई सारे देश उन दोनों को समझाने में पड़े हैं। एक चीज़ हमें जो देखनी है कि शायद हमारे पड़ोसी मुल्क की जो इंटरनल परिस्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, तो हमारी सेना को बॉर्डर पे स्टैंड बाय या तो ऑन अलर्ट में रखनी पड़ेगी। तो ये सब बॉर्डर टेंशन के मामले हमारी इंडो पाक बॉर्डर पे, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे हमें निगरानी रखनी पड़ेगी, और अगर इसमें कोई तनाव आ जाए, क्योंकि अब तक ऐसा होता हुआ है कि पाकिस्तान की जब इंटरनल परिस्थिति खराब हो जाती है तो वो हमला करने की सोचता है, तो अभी इंटरनल स्थिति जो है पाकिस्तान की वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ उसका अब जो बारी आएगी वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वहाँ देखो शेख हसीना मैडम को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, हालांकि हमने इनकी काफ़ी मदद कर दी है, इसलिए अब तो फिलहाल सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी अशांति बढ़ रही है। तो ये मैं बात लंबी इसलिए करता हूँ कि अगर इंडो पाक बॉर्डर पे तनाव हुआ या उसके न्यूज़ भी आए तो हमारी मार्केट पे असर पड़ सकता है, और अगर पाकिस्तान हमारी बॉर्डर की तरफ अपने सैन्य का जमावड़ा करता है तो हमें भी करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति का लाभ लेके चाइना भी अपनी बॉर्डर पे सैन्य जमावड़ा कर सकता है, तो हम और सावध रहेंगे। ये फैक्टर भी अभी आपको डे टू डे न्यूज़ में चेक करना है कि कोई बॉर्डर टेंशन तो नहीं रहा है। देखो 2 साल पहले जब इंडो चाइना बॉर्डर पे पत्थरबाजी हुई भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच, तो माजर बहुत गिर गया था, फिर दूसरे दिन संभल गया क्योंकि डिप्लोमेसी से बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसे ऐसे जब न्यूज़ आते हैं कुछ भी नहीं होने वाला है हम सब जानते हैं, फिर भी मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी,
तो अभी जो फोकस है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन का। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होने की तो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी उसमें कोई रिलीफ मिले तो भी मार्केट चलेगी, सब मार्केट चलेगी। इंटरेस्ट रेट कट भी आ रहा है तो ऐसे कोई मायूसी की बात नहीं है। आप सब लोग अच्छे अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करते रहें, अच्छा मुनाफा मिलेगा। और फ्राइडे को जैसे मैंने बताया बाउंस बैक आ सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं 2 या 3 वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें अच्छे स्टॉक्स का लिस्ट मैं सीधा आपको बता दूंगा कि इतने शेयर आप ले लीजिए और उसको आपको रखने हैं लंबी अवधि के लिए। ओके, तो कल हमारा स्वतंत्र दिन है, आप सबको इस हमारे महापर्व की शुभकामनाएं मैं देता हूं। और कल की छुट्टी आप देशभक्ति के साथ मनाएं, ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को पूरा कर रहा हूं। सब्सक्राइब कर का फिगर जो है वो स्टक हो गया है, 409 पे लटका हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आज और कल वाली छुट्टी में आप अपना वक्त निकाल के मेरी चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मुझे हेल्प करेंगे, ताकि मैं इस श्रावण महीने के एंड तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि आज अभी सिर्फ इनको 22 डेज लेफ्ट है श्रावण महीने को, और मुझे 600 सब्सक्राइबर चाहिए। मतलब पर डे एटलीस्ट 30 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के सरकार से ये संभव हो जाएगा। बाकी भगवान विश्व सर्जनहार शिव जी की कृपा की भी जरूरी है इसके लिए। ओके, आप सबको मेरी फिर से शुभकामना स्वतंत्र पर्व की, और गुड नाइट।